हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि वीवो Y27 फ़ोन में आप लोग प्ले स्टोर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक वीवो Y27 फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आप लोगों को प्ले स्टोर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, प्ले स्टोर से जो है एप्लीकेशन आप लोग इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हो, या प्ले स्टोर में जो है आप लोग अगर साइन इन कर रहे हो तो यहाँ पर साइन इन भी नहीं हो रहा है, लॉग इन भी नहीं हो रहा है, तो आप लोग प्ले स्टोर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्ले स्टोर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे आप लोगों को एक ऐप्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस ऐप्स के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद सी ऑल ऐप्स का एक ऑप्शन होगा, तो इस सी ऑल ऐप्स के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को प्ले स्टोर के ऑप्शन को ढूंढ लेना है। आप लोग सर्च करके भी ढूंढ सकते हो और स्क्रॉल करके भी ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर लिखा हुआ होगा, गाइस देख सकते हैं, तो इस गूगल प्ले स्टोर पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टोरेज एंड कैची का, तो इस स्टोरेज एंड कैची पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्लियर स्टोरेज का एक ऑप्शन होगा, क्लियर स्टोरेज पे क्लिक करके आप लोगों को इस डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका जो गूगल प्ले स्टोर का डाटा होगा, कैची फाइल्स वगैरह होगा, वो सब यहाँ पर से क्लियर हो जाएगा। और क्लियर होने के बाद आपका जो गूगल प्ले स्टोर प्रॉब्लम है वो भी ज़रूर से सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने वीवो Y27 फ़ोन में प्ले स्टोर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।